दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लीडरशिप के लिए हमको बहुत बड़े बड़े पोथी पत्रे पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आप यहां पर पिछले एक साल का अपना एक्शन खुद जज कीजिए, आपको पता लग जाएगा लीडरशिप किसको। क्यों ऐसा होता है कि पिछले एक साल में हमारे साथ 30-32 मेंबर थे, लेकिन सब लोग उन 30-32 लोगों का नाम नहीं जानते। क्यों ऐसा है कि कुछ लोग पूरे 30-32 का नाम जानते हैं, कुछ ऐसे लोग क्यों हैं जिनका नाम हर कोई जानता है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्या किया उन्होंने? 10:30, 10 o'clock हर बार सेशन शुरू हुआ। सेशन कभी 5 बजे तक गया, कभी शाम को 6 बजे तक गया। सारे लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज थी। ऐसा क्या हुआ कि उसमें से 5-6 लोगों का नाम सबको याद रहा और बाकी का नाम याद नहीं रहा? ऐसा क्यों? साल में आप 10 बार यहां आए, आपने पूरे 10 दिन यहां दिए, 10 दिन देने के बाद ग्रेट है, आपने लर्निंग की होगी, लेकिन आपका नाम लोगों के दिमाग पे क्यों नहीं छपा? यदि मैं कहूं कि यदि मेरे यहां एक प्रोग्राम है और मेरे को इन 30 लोगों में से सिर्फ 7 को इन्वाइट करना है, तो आप उस 7 में है तो क्यों है और 7 में नहीं है तो क्यों है? ये क्वेश्चन है। आप आएंगे, ठीक है, इसमें एक आउटलुक ये हो सकता है कि ठीक है सर, मैं अपना सीखने के लिए आया हूं और अपना सीख के जा रहा हूं, लेकिन ऐसे बिजनेस प्रोग्राम्स, ऐसे एक्सीलेंस प्रोग्राम्स का मेन फंडामेंटल नेटवर्किंग भी होता है कि लोग आपको जाने और आप लोगों को जाने, आपके कनेक्शंस डेवलप हों। आज ये जितने लोग हैं, आप सबको देख के मेरे को लगता ही नहीं कि आप मेंबर हो, मेरे को लगता है आप मेरे फैमिली मेंबर। पूरे देश में इतने प्रोग्राम होते हैं, सैकड़ों प्रोग्राम होते हैं, हम लोगों से पर्सनली कनेक्ट कहां होते हैं? तो 10 दिन आज हम अपने सबसे क्लोज दोस्त के साथ भी नहीं बिताते, ये हकीकत है। आप निकाल लीजिए पूरा साल, आप साल में पूरे 10 दिन अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड के साथ भी नहीं बिताते, जिसमें पूरे 10 दिन फिक्स नियत तिथि पे आप वहां पहुंचते हो। तो यदि आप यहां पर 10 दिन आ रहे हैं, तो ये 10 दिन का मैक्सिमम गेन जो लेगा वो लीडर है। बस सेकेंड, आपने मुझे अपना टाइम पहले दे दिया, आपने अपनी फीस भी दे दी, आपका कंट्रीब्यूशन हो गया, अब आपकी लेने की बारी थी। तो ये 10 सेशन में मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के जितना जो कुछ मैं जानता था और जितना जहां से मैं ला सकता वो सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि कुछ लोगों ने उसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रहण किया, कुछ लोगों की लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस आए, कुछ के में नहीं आए? ऐसा क्यों हुआ कि कुछ लोगों की लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस आए और कुछ लोगों की लाइफ में नहीं आए? नहीं आए वाले तो नहीं होंगे, आप कम आए, ये कह सकते कम आए। कुछ लोगों के में मिडिल लेवल पे आए, कुछ लोगों में एक्सट्रीम आए। ऐसा क्यों हुआ? जब सेम यहां से आउटपुट था, सेम डायलॉग्स थे, सेम वीडियोस थे, सेम केस स्टडीज थी, ऐसा क्यों हुआ कि कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज हुए? इतने चेंज हुए कि उन्होंने अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को, नियर्स एंड डियर्स को, सबको उठा के भेज दिया कि यहां पर ज्वाइन करो, यहां करो। ऐसा क्यों? तो लीडरशिप मतलब आप पूरा दिन यहां दे रहे थे तो आपने इस टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन क्यों नहीं किया? दिस इज सिंपल क्वेश्चन, ये आपको खुद से पूछना है, जिसने नहीं लिया, जिसने लिया तो ग्रेट है। तो कुछ चीजें लीडरशिप मोमेंट्री नहीं होती कि आप एक जगह लीडर हैं और दूसरी जगह लीडर नहीं। लीडरशिप आपके जीन्स में आ जाती है, लीडरशिप आपके भीतर भर जाती है। आपको जहां मौका मिलेगा आप चीजों को राइट करने में लग जाएंगे, जहां आपको मौका मिलेगा आप जिसके अभी जाएंगे कोने में एक सलाह देकर निकल जाएंगे। जो आपके अंदर बेसिक ट्रेट है, एक चीज वो गलत हो रही आपको लगता है मेरे को धीरे से सजेस्ट कर देना चाहिए या धीरे से हिंट कर देना चाहिए, धीरे से मैं बाद में बता दू, या लीडर अच्छा फीडबैक। क्यों ऐसा होता है? कहीं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हुआ, आपने उस एक्सपीरियंस को शेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? बुरा एक्सपीरियंस तो हर आदमी शेयर करता है, उस जगह पे मत जाना। तो किसी जगह गए आप, किसी स्टोर में गए, किसी फैक्ट्री में गए, किसी कंपनी में गए, किसी आदमी से मिले, उससे मिलने के बाद लगा यार ये अद्भुत आदमी था, आपने क्यों उसकी तारीफ की? लीडरशिप तो तब होती जब आप उसकी तारीफ, ताकि तारीफ क्या करती, उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करवा। हमको किसी चीज, हमारे कोई एक पहनी हुई शर्ट की तारीफ कर दे तो हम उसको बार बार पहनते, ज्यादा लोग तारीफ कर दे तो हर इंपॉर्टेंट ओकेजन में उसको पहने में नजर आते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हमको लगता है वो पहनने से हम अच्छे दिखते हैं, हम बेहतर दिखते हैं।
ठीक वही एक्शन होता है। किसी का एक्शन आपको अच्छा लगा, आपने इंस्टेंट तारीफ क्यों नहीं की? यदि आप इंस्टेंट तारीफ करेंगे तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो उस एक्शन को डुप्लीकेट करेगा, वो उस एक्शन को बार बार करने की कोशिश करेगा, उसमें और बेहतर करने की कोशिश करेगा। वो प्रूव करेगा कि आपने जो मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है, मैं राइट हूं, मैं उस भरोसे के काबिल हूं। तो लीडरशिप हर मोमेंट में हम जीते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक्सीलेंस गुरुकुल में लीडर नहीं हो लेकिन जाके अपने दुकान में लीडर हो, फिर दुकान में लीडर नहीं हो जाके अपने घर में लीडर हो, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आपके अंदर वो एक लीडरशिप, वो एक डायनामिज्म, वो एक हंगामेदार बात है तो वो हर जगह नजर आएगी। तो आज हम लोग टू द पॉइंट कुछ बात करेंगे, वो कॉमन गलतियां जो लीडर करते। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लीडरशिप कोई आसमान से उपजा हुआ शब्द नहीं, लीडरशिप पॉलिटिक्स नहीं, लीडरशिप हर मौके पर अपना सर्वश्रेष्ठ कर दिखाना लीडर। लीडरशिप अपने आसपास की चीजों की बेहतरी के लिए कोशिश करना लीडरशिप। आप कभी किसी लीडर के मुंह से शब्द नहीं सुन सकते मैं बोर हो रहा हूं यार, कभी नहीं बोल सकते वो, क्योंकि लीडर क्या बोर होगा यार, उसके पास तो आगे से आगे काम लगे हुए, बोर तो खाली आदमी होता है। अच्छा बोर कौन होता है? यदि मेरे को आज चार घंटा ऐसी जगह फंसा दो जहां कुछ करने को नहीं रहे तो मेरे से खुश आदमी कुछ कोई होगा ही नहीं, क्यों? एक पेंडिंग वर्क लिस्ट खत्म हो जाएगी कोई ना। मोबाइल जिंदाबाद है, 200 प्रकार की लिस्ट मोबाइल के अंदर बनती है। तो आप लीडर बोर हो रहा हूं, लीडर सब बेकार है, लीडर जनरलिस्ट नहीं होता, अरे दुनिया बेकार है यार, कुछ नहीं बदलता, लीडर कभी नहीं बोलेगा। लीडर बोलेगा चलना यार, जितना बदल सकता है उतना बदलने की कोशिश। लीडर इज नेवर जनरलिस्ट, लोगों पे कभी भरोसा मत करो, ये लीडर कभी नहीं बोलता। ये जितनी जनरलिस्ट लाइन है ना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बदलता, अरे सब बर्बाद है, पूरा सिस्टम बेकार है, ये सब लाइनें पलायनवादी लोगों की लाइन है। लीडर की तो एक लैंग्वेज होती है, क्लासिक लैंग्वेज। लीडर जानता है कहां से कौन सी लैंग्वेज चुनना है और कहां से कैसी लैंग्वेज चुनना है। अच्छा, कई लोग तारीफ भी करना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? नहीं नहीं अच्छा है लेकिन परंतु मगर, ये जहां अगर मगर परंतु हुआ ना, उसका लीडर निकाल के फेंको पाए। अगर मगर परंतु लीडर नहीं करता, लीडर डायरेक्ट बात करता है, लीडर डायरेक्ट काम करता है। जो चीज अच्छी नहीं है वो डायरेक्ट है, जो चीज अच्छी है वो डायरेक्ट है। लीडर प्रशंसा करना जानता है, लीडर सकारात्मक आलोचना करना जानता है। सबसे बड़ी बात यह है यार, लीडर बोलना जानता है, बोलता है वो, मौन नहीं रहता वो। लीडर आपको कभी एक कोने में जाके एक कुर्सी में चुपचाप बैठा हुआ लोगों की बात सुनते नजर नहीं आएगा। लीडर आएगा पक्का, उससे पांच लोग हाथ मिलाएंगे, वो पांच लोगों से हाथ मिलाएगा। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो कल से ये ट्रेड आपको शुरू करना है कि आप आगे से जाके लोगों से मिले, आगे से जाके हाथ मिलाइए। फला आदमी से हाथ मिलाइए, सर आपके बारे में बहुत सुना है, आज आपसे मिलने का मौका मिला, एक बार बोल के देखिए, अगली बार उसका हाथ पहले बढ़ेगा आपके। लीडरशिप के बिना अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ स्टोरी नहीं बनती। और यदि आप लीडर नहीं है ठीक, और आपके नीचे बैठ गया तो थोड़े दिन बाद वो अपनी कंपनी खड़ी कर लेगा। बात समझ रहे? किसी लीडर को आप ज्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर सकते। लीडर लीडर है भाई, एक दिन उसको शिखर पर पहुंचना है। आप अपने नीचे के 50 स्टाफ को जज करोगे ना, अब भी आपको समझ आ जाएगा उसमें से कौन लीडर है कौन नहीं। कई लोगों को आप बुला के काम बोल दो, आपको कॉन्फिडेंस होता है यार ये कहीं ना कहीं से करेगा इस काम। और कई लोग को आप बुलाते हो ना, उसी वक्त भी आपके मन में कॉन्फिडेंस कमजोर होता है। आप बुलाते तो और फिर धीरे से एक आदमी को और बोलते हो, देखना यार कर ले, उसको बैकअप प्लान देना पड़ता है। राइट? ऐसे है कि नहीं लोग आपके यहां? और सब क्या ऐसे लोग भी होंगे जिनको बोलने का मतलब है यार वो धरती आकाश पाताल हिला देंगे लेकिन वो चीज को करने की कोशिश पूरी करेंगे। चालू करिए, अच्छी बातें। अच्छा, लीडर लाइनों को अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना जानता है, कहां से क्या बात पिक करनी है, कहां किसको क्या बोलना है, कहां पे रुकना है। तो लीडरशिप थ्योरी नहीं, लीडर नजर आता है, लीडर दिखता है। अच्छा, लीडर कई किस्म के होते हैं। हम्बल लीडर हो सकते हैं, कई लोग बहुत विनम्र रहते हैं लेकिन वो लीडर होते हैं। आप उनको कोई काम सौंपो, देखो धड़ धड़ कहां से निकाल के ले जाते हैं। कई लीडर ऑटोक्रेटिक होते हैं, धाड़ धूड़ दो चार दस को डांटते कूटते हैं लेकिन काम वो भी कर जाते हैं। कई लीडर डेमोक्रेटिक होते हैं, पांच छह मीटिंग बिठाते हैं, दस लोग का सलाम मशवरा करते हैं, साइन लेते हैं लेकिन काम वो भी कर जाते हैं। लीडर अलग अलग प्रकार का हो सकता है लेकिन लीडर होना जरूरी है, ड्राइव होना जरूरी है, मेरे को करना है, आई विल मेक अ डिफरेंस। मैं भीड़ में जाके तीन घंटा छुपा हुआ नहीं रह सकता। यदि आप एक भीड़ में बैठे और तीन घंटे तक चुप बैठे तो आप लीडर नहीं हो। कैसे लीडर हो सकते हैं आप? लीडर तो चुप हो ही नहीं सकता, उसकी तो राय रहेगी, भले अच्छी रहे चाहे बुरी रहे, उसकी राय रहेगी। अच्छा, राय वो बचा भी नहीं सकता, वो निकलेगी।
वी हैव टू बी लीडर, वी हैव टू प्रेज गुड थिंग्स, वी हैव टू क्रिटिसाइज, कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज बैड थिंग्स, और लीडरशिप को बिजनेस के किसी खास हिस्से के लिए, किसी खास पोजीशन के लिए, किसी खास सिचुएशन के लिए रिजर्व नहीं रखना है। एनी टाइम लीडरशिप को जीना है, एनी टाइम लीडरशिप को जीना है। जैसे हम लोग कितनी बार ये एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि जब हम नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं, मेरे ख्याल से यहां सभी लोग कार चलाते होंगे, राइट? ऑलमोस्ट सभी, हमको ऐसा पूछना पड़ेगा नई कौन चलाता है, क्योंकि यहां तो बहुसंख्यक चलाते होंगे। तो हम सब स्टार्टिंग फेज में एक जैसे थे, हम सबको क्लच याद रखना पड़ता था कौन से पहले, राइट कि रॉन्ग? एक्सीलेटर याद रखना पड़ता था, और सबसे पहला होता होगा दबाते क्लच और दब रहा एक्सीलेटर, और गियर कितनी भी ट्रेनिंग दे दो वो गियर फर्स्ट और सेकंड तो सही लगता ही नहीं, गलत लग जाता है। अरे बताया ना, सेकंड पीछे आता है, थर्ड फिर आगे जाता है। हर आदमी उस प्रोसेस से निकलता है तब जाके हम ड्राइविंग सीखते हैं। हर आदमी निकलता है, जो उस प्रोसेस से बचा वो कभी ड्राइविंग ही नहीं सीख पाया। अब हर आदमी ड्राइविंग सीखता है, सेम प्रोसेस से निकलता है, लेकिन कुछ साल बाद वो क्या काम नहीं कर सकता गाड़ी चलाते, आप खुद सोचो क्या काम नहीं कर सकता। खाना खा सकता है वो बराबर, उसको हाथ में दे दो पिज्जा का एक बाइट लेगा, चबाते चबाते बाजू वाले सब टेंशन में रहेंगे, सामने देखना यार सामने, अरे देख रहा हूं ना। आप रूटीन रूटीन याद करिए कैसा होता है। कोल्ड ड्रिंक की एक बॉटल है तो मेरे को देना बॉटल, भैया पी लेना थोड़ा, चला के आगे रू, अरे क्या फर्क पड़ देना। वो फोन तो हमारा साथी हो गया हर जगह, वो फोन ले सकता है, वो बात कर सकता है, वो खाना खा सकता है, वो ड्रिंक्स ले सकता है, वो दुनिया के तमाम काम कर सकता है आज कार चलाते हुए। जिसको पहले याद रुक, पहले हम कहते डिस्टर्ब नहीं करें, एक मिनट याद करने थे, लेफ्ट में राइट में, ऐसे पहले याद करता आदमी, एक मिनट फिर से बना, अच्छा नया नया ड्राइंग बना के सिखाते, देखो इधर वन क्लच वन फर्स्ट गियर है, इधर सेकंड है, ये शुरू का से। अब अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं, आप कभी कभी 50 किलोमीटर चले जाते होगे और आपको पता भी नहीं चलता होगा आप आ कैसे, ऐसा होता है कि नहीं? आप बोलते हो यार बात करते करते कब आ गया पता ही नहीं चला, यानी यंत्रवत गाड़ी चलती, यंत्रवत। तो शुरू में लीडरशिप प्रैक्टिस कर, उस गियर क्लच की तरह याद रखना पड़ेगा, मेरे को उठना है, मेरे को बोलना चाहिए, मैं इतनी देर तक दबा क्यों, मेरी आवाज सामने आनी चाहिए, मेरी राय होनी चाहिए यार, मैं आऊं, मेरे को, मैं 3 घंटे यहां बिता के चले जाऊं और कोई मेरे को नहीं जानेगा, हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है वो आपके भीतर उतर जाए, थर्ड स्टेप है वो इतना भीतर चले जाएगा कि आप याद ही नहीं करेंगे कि आपको लीडर बनना है, आपको लगेगा कि यही लीडर जो बन रहा है वही राइट है, बाकी सब गलत। शुरू वाली स्टेज में आप क्या बोलोगे, लीडर बन रहा है, नेतागिरी कर रहा है, आपको दूसरा आदमी पहले नेता नजर आएगा। थोड़े दिन बाद आप मिडिल स्टेज पे आ जाओगे, आप कहीं बात उठाओगे कहीं नहीं, थोड़े दिन बाद जो नहीं करेगा उसको लगेगा क्या बेवकूफ आदमी यार बैठा रहता। तो एक समय पे जो आपको ऑड लगता है कुछ समय बाद वो आपकी आदत हेलो बन जाती है।